नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जनपद से, जहां गाजीपुर जनपद के जलालाबाद चौराहे पर स्वाद सदन रेस्टोरेंट के नाम से बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट की ओपनिंग की गई है। यहां पर लोगों का कहना है कि शहर में जो हर व्यवस्थाएं मिलती है, आप शहर में जिनका नाम सुने हैं, चाइनीज सूप हो चाहे इंडियन कोई प्रोडक्ट हो, यहाँ आपको आसानी से ऑर्डर करने के जितना समय लगता है तैयार करने में, आपको शुद्ध और ताज़ा तुरंत मिलेगा। नाश्ता के लिए कुछ प्रोडक्ट हैं, भोजन के लिए कुछ प्रोडक्ट हैं, तमाम चीज़ यहाँ पर आपको उपलब्ध मिलेंगे। यहाँ हर काउंटर पे मेनू के अनुसार आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपके ऑर्डर करने के तुरंत बाद आपको तैयार करके शुद्धता के साथ प्रोडक्ट मिलता है। स्वाद सदन में लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो चीज़ है, विशेष करके साफ सफाई की बात हो, हर चीज़ यहाँ आपको उपलब्ध मिलेगी। आप कभी भी आकर इसका आनंद ले सकते हैं। साथ ही आपकी कोई छोटी मोटी पार्टी हो, जन्मोत्सव हो, एनिवर्सरी हो, तमाम चीज़ पे आप मेनू के अनुसार ऑर्डर कर सकते हैं और पार्टी सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं हर जगह शुद्धता और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही आप तैयार करने के समय से ऑर्डर करने के समय तक जो तैयार करने में समय लगेगा, उतना ही में ही आपको व्यवस्था उपलब्ध हो जाएगी। और क्या कुछ है, आइए यहाँ के मैनेजर महोदय से पूरी जानकारी सुनते हैं। क्या नाम है आपका? विकास यादव, मैं रेस्टोरेंट मैनेजर हूँ यहाँ का। और ये हम अभी 4 दिन पहले ये ओपनिंग हुआ है। इसका पूरा परिचय आपके रेस्टोरेंट का? ये स्वाद सदन के नाम से एक यहाँ रेस्टोरेंट ओपनिंग हुआ है। और इस पे कोई आना चाहे तो कैसे आएगा, क्या पता है? गूगल मैप करके ये पूरा एड्रेस देख सकते हैं कि कहाँ पर है, लोकेट है, वो शो करेगा गूगल मैप पे, ठीक है। और यहाँ पे एक हाइजीनिक तरीके से और अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही अच्छे तरीके का फूड मिलते हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी का अफोर्डेबल प्राइस में, जहाँ पर स्टूडेंट और अच्छे लोग हर कोई आके मतलब अफोर्डेबल प्राइस में खा सकता है। चाइनीज आइटम, इंडियन आइटम और आपका साउथ भी स्टार्ट होने वाला है, और बाकी इसके अलावा सारे आइटम अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ की मैं बात करूँ तो जो व्यवस्थाएं यहाँ लगभग देखने को मिल रहे हैं, जैसे अलग अलग काउंटर हैं और यहाँ की बैठने की व्यवस्था और साफ सफाई जिस तरीके से है, क्या यहाँ पे कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं तो है व्यवस्था? ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसका कोई बुकिंग चार्ज नहीं है। अपने यहाँ के भी हॉल है पीछे हमारे साइड में, वहाँ हॉल में आके मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। जो भी ऑर्गेनाइज जो उनको फूड अवेलेबल कराया जाएगा उसका कोई चार्ज नहीं होगा। हॉल का चार्ज नहीं है, जो ऑर्डर करेंगे उसका पैसा लगेगा। और यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधाएं हैं, पेमेंट करने का कैश भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, दोनों सुविधाएं हैं। और उनको बिल भी दिया जाएगा एक प्रोफेशनल तरीके से, जो भी उनका एक जस्टिस साथ जी पेमेंट, ज्यादातर कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको पेमेंट करने की दिक्कत आती है, कैश भी कर सकते हैं, जैसे उनको अवेलेबल सुविधा होगा वैसे कर सकते हैं। और क्या कुछ यहाँ व्यवस्थाएं हैं देहाती क्षेत्र में, चूंकि ये ग्रामीण इलाका है, यहाँ पे किसान ज्यादातर रहते हैं, यहाँ के लिए और क्या नई चीज है जो मार्केट में न हो? यहाँ के लिए सब कुछ, मतलब जो शहरों में लोग जाते हैं होटलों में खाने के लिए, एक अच्छा फूड के लिए, सारा अवेलेबल यहाँ पर है। जो अच्छे फूड है और अच्छे आइटम है जो यहाँ लोग जानते भी नहीं है, वो चीज शहर की चीज हम गाँव में लेके आए हैं कि उनको एक सारी चीज टेस्ट कराया जाएगा, वो भी कम पैसे में। हर कोई आके यहाँ खा सकता है, टेस्ट कर सकता और जान सकता है कि शहर में भी ऐसे मिलते हैं। मेनू के अनुसार आप जो ऑर्डर करेंगे वही मिलेगा। साथ ही कुछ यहाँ के जो ग्राहक है, दूर दराज से भी आने वाले लोग गूगल पे सर्च करके आ रहे हैं, उनका क्या कहना है, आइए वो अभी सुनते हैं। क्या नाम है आपका? सतीश। सतीश जी, ये जो सेवा सदन करके रेस्टोरेंट है, यहाँ आपको क्या कुछ अलग लगा? आप कितना दूर से आए हैं और कहाँ के रहने वाले? हम तो मिर्जापुर से आए, इधर आते वक्त रास्ते में इधर ऐसा लोकल में इधर होटल कुछ तो मिला नहीं अच्छा, तो फिर इधर आए चौराहे पर आया, तो अभी नया नया पता चला कि एक रेस्टोरेंट खुला है, तो मैंने आया देखा, फिर इधर आया ऑर्डर किया। अच्छा सब कुछ, मतलब अभी जो चूंकि ये देहाती क्षेत्र है, यहाँ पे लोगों का कहना होता है कि हम होटल या 5 स्टार में नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है, और देहाती क्षेत्र में यहाँ की जो ऑर्डर्स करने की बुक है, जो मेनू है, उसके अनुसार आप लोगों को क्या कुछ अच्छा मिला शुद्ध? हाँ बिल्कुल, अभी जैसे कुछ ऐसे आइटम होते हैं देहात में नहीं मिल पाते हैं, जी जी, सूप वगैरह, नूडल्स वगैरह, नूडल्स में बहुत सारे चीज़ें ज्यादा किसान क्षेत्र में, तो ज्यादा लोगों को सूप पता ही नहीं होगा कि सूप होता क्या है, तो वैसे चीजें है। तो अभी हम लोग यहाँ पर आया, सूप वगैरह पिया और नूडल्स वगैरह खाया, तो क्वालिटी की बात किया जाए तो क्या है, क्वालिटी तो अभी बेटर ही है, ठीक है, कोई मतलब अच्छा है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड भी करें। धन्यवाद।